अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जो है बिल इनवाइस किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने लेआउट में आना है और यहाँ से जो है जो पेज साइज है वो सिलेक्ट करेंगे। आप लोग जो A4 लेटर जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोगों ने कर लेना। तो मैं A4 साइज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मार्जिन वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से ये जो नैरो वाला मार्जिन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें जो है कुछ टेबल इंसर्ट करूंगा। तो उसके लिए जो है मैं इंसर्ट वाले टैब में जाऊंगा और यहां से जो है मैं एक टेबल इंसर्ट कर लूंगा। तो जो कॉलम है वो मैं 4 रख लेता हूं और जो रोज होंगी वो मैं 8 इनको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो हमारे सामने इस तरह से एक टेबल इंसर्ट होके आ गई है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये जो ऊपर वाले जो हमारे रो इस पे माउस लेके आएंगे तो हमारे सामने जो है माउस का कर्सर जो है वो इस तरह से एक निशान बन के आ जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो है नीचे लेके आते हैं यहाँ तक। आप लोग इसको मज़ीद भी नीचे लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है इसको यहाँ तक लेके जाते हैं और यहाँ से जो है हम लोग इसको ये जो दरमियान में इनकी लाइन है इसको ख़त्म कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग आएंगे लेआउट में और यहाँ से ये जो इरेजर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे जो है यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो ये जो दरमियान वाली लाइन है ये ख़त्म हो जाएंगी और जैसे हम लोग दोबारा इरेजर पे ओके करेंगे तो ये हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं इसको दरमियान में करूँगा। तो दरमियान में करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ई भी इस्तेमाल होता है और आप लोग यहाँ से भी इसको दरमियान में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ टैक्स इनवाइस। तो यहाँ से इसका जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो है साइज मैं बढ़ा लेता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इसका जो है आप यहाँ से फॉन्ट भी इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इनका जो है फॉन्ट रखना चाहते हैं तो वो आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और यहां पे हम लोग जो हमारी शॉप है या हमारा होटल है कोई भी चीज़ है तो उसका हम लोग ना उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं तो मोबाइल शॉप का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान मोबाइल शॉप। ये लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है शॉप का एड्रेस लिखेंगे। आप लोग एड्रेस लिख लें या शॉप एड्रेस लिख लें, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। तो शॉप नंबर जो है वो 67 हो गई और जो मार्केट है वो मार्केट मोबाइल के नाम से जो मार्केट है उसके अंदर जो है 67 नंबर जो है वो शॉप नेम। और इसके बाद ये लिखने के बाद आप लोग जो है कस्टमर इसका जो है ऑनर का मोबाइल नंबर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा। तो ये लिखने के बाद आप लोग अगर इसका बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं या बोल्ड लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इसका बोल्ड भी इसको कर सकते हैं। इसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग वो भी बढ़ा सकते हैं। अगर इन लाइनों का जो है आप थोड़ा सा स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जो है इसको लाइन का जो आप दरमियान जो इसके स्पेस है वो भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो है इनका जो ये इन नीचे वाले दो लाइनों का जो है वो बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। ये ख़त्म करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है ये जो हमारा कर्सर है ये अब दरमियान में है तो मैं इसको यहाँ से शुरू में ले के आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है हम लोग कुछ मोबाइल वगैरह के जो है ताकि उनके जो लोगो वगैरह होते हैं ताकि ये एक दुकान
जो है वो सामने शो हो के ये किस चीज़ के मोबाइलों की दुकान है या जो भी आप लोगों की दुकान है तो वो आप लोग यहाँ पे उसका कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं जाऊँगा यहाँ इंसर्ट वाले टैब में और यहाँ से शेप्स में जाके जो है मैं कोई भी यहाँ से एक शेप जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं जो है ये शेप जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको जहाँ यहाँ पर जो इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ शेप फिल में और यहाँ से जो है वो पिक्चर अपलोड कर देंगे जो हमारे पास ये जो है पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से जो है सबसे पहले नोकिया के जो पिक्चर वो इंसर्ट कर लेता हूँ और ये जो हमारी जो आउटलाइन है इसको भी यहाँ से जो है मैं ख़त्म कर लेता हूँ, नो आउटलाइन, ताकि ये जो है एक सही तरह से नज़र आए। और इसके बाद हम लोग जो है कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसकी जो है यहाँ से इसी तरह जो है इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे जो है ये टाइटल इंसर्ट कर दिया है और इसी तरह इसकी और कॉपी बना लेते हैं एक। और इसमें भी जो है एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, शेप से फिल करके यहाँ से जो है एक पिक्चर जो है और इंसर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग इनकी जो है पिक्चर वगैरह और ये जो है इंसर्ट कर लेते हैं और इनको जो है बाद में भी हम लोग सेट कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो है सेट करने के बाद हमारे ये जो है लोगोज वगैरह यहाँ पे इनके लग चुके हैं। और यहाँ पे जो है हम कर्सर को नीचे लेके आएंगे और इसको दरमियान में करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल मोबाइल कंपनी अवेलेबल हेयर। आप लोग जो कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका जो है आप साइज भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद एक लाइन छोड़ के हम लोग जो है ये नीचे वाली जो रो है इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको जो है पूरे पेज पे जो हम इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ तक इंसर्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी, टैब प्रेस करेंगे तो अगले खाने, और यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रेट और यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो अमर। तो इन सबको जो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ दरमियान में कर देंगे और यहाँ से बोल्ड करने के बाद इनका जो थोड़ा सा साइज है वो हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये जो पहले दो कॉलम है ये एंड वाला जो कॉलम है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको भी इसको छोटा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन वाला होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल, यहाँ पे लिख लेते हैं टैक्स और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैंड टोटल। तो दोस्तों ये लिखने के बाद हम लोग जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन में और यहाँ से जो है ये रेजर जो है वो सिलेक्ट करके ये जो हमारे कॉलम है इनको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों हम जो है इरेजर के साथ इनको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इरेजर को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा इरेजर पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से जो है इसका इंटर दबा के जो है थोड़ा सा इसका जो साइज है वो बढ़ा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पे कुछ नोट वगैरह भी लिख सकते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ नोट्स लिखे होते हैं कि जो एक बार
जो चीज़ हम से ख़रीद लेंगे तो उसके ऊपर वो तब्दील नहीं होगी, या आप लोग यहीं पे जो है उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ नोट लिखे होते हैं, तो आप लोग जो है इस तरह कोई भी यहाँ पे नोट आप लोग एक्स वाई जेड कोई भी आप लोग यहाँ पे जो नोट दे सकते हैं। दोस्तों ये देने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर सिग्नेचर लिख लेते हैं, और स्पेस देने के बाद जो है यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनर सिग्नेचर। ये लिखने के बाद इनको जो है हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से जो है इसका भी साइज़ बढ़ा के इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो ये करने के बाद हम लोग इनके ऊपर जो एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं, और उसके लिए जो हम लोग जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में शेप्स में, और यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जो एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं और कंट्रोल प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे। और इसको जो है यहाँ ऑनर पे भी जो है वो एडजस्ट कर देंगे। तो ये करने के बाद दोस्तों जो है इनवाइस वेल इनवाइस जो है वो हमारी जो है वो तैयार हो गई है। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पे कलर जो है अगर आप लोग कोई देना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से जो है वो दे सकते हैं, जो अगर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं। ये जो है हमारा जो बिल इनवाइस है वो तैयार हो के आ गई है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।